तेलंगाना के राज्यपाल श्रीमान नरसिम्हन गारू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रशेखर राव गारू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वेंकैया नायडू गारू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु गारू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अनंत कुमार गारू, श्रीमान बंदारू दत्तात्रेय गारू, श्रीमान पीयूष गोयल गारू, राज्य विधानसभा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान के स्वामी गौड़ गारू, तेलंगाना के सिंचाई मंत्री श्रीमान टी हरीश राव गारू, स्वास्थ्य मंत्री श्री लक्ष्मण रेड्डी गारू, परिवहन मंत्री श्रीमान महेंद्र रेड्डी गारू, ऊर्जा मंत्री श्रीमान जगदीश रेड्डी गारू, राज्य विधानसभा के डिप्यूटी स्पीकर पद्मा देवेंदर रेड्डी गारू, संसद में मेरे साथी डॉक्टर केशव राव गारू, संसद के मेरे साथी श्रीमान जितेंद्र रेड्डी गारू, सांसद श्री कोठा प्रभाकर रेड्डी गारू, श्रीमान वेमुला प्रशांत जी, श्रीमान के रे राजमणि गारू, श्री राजीव शर्मा जी और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोदरों सोदरी मानू लारा, तेलंगाना राष्ट्रम अर्पाड़ीना तरुवाता मोदटी सारी इक्केडिक्की रावड़म चाला संतोषम गा उंदी। तेलंगाना प्रजनंदारी की ना हृदय पूर्वक शुभाकांक्षलु। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तेलंगाना बनने के बाद ये मेरी पहली विजिट है और हिंदुस्तान में तेलंगाना सबसे छोटी उम्र का राज्य है, सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन 2 साल की इतनी छोटी आयु में तेलंगाना ने जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जन सामान्य की आवश्यकताओं के लिए जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, उससे मुझे विश्वास है कि जिस इरादे से तेलंगाना बनाया गया, तेलंगाना के लोग, तेलंगाना की सरकार उन सारे सपनों को पूरा करके रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मुझे पंचशक्ति के दर्शन हुए, इस पंचशक्ति में शरीक होने का अवसर मिला, जिसमें पानी भी है, प्रकाश भी है, परिवहन भी है, एक साथ 5 प्रकल्प और वो भी भारत सरकार और तेलंगाना सरकार मिलकर के,
और यही तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। एक समय था भारत में हमेशा केंद्र और राज्य के बीच तनाव की भाषा का उपयोग होता था। आज ऐसा वक्त आया है कि केंद्र और राज्य मिलकर के भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक रिफॉर्म का काम हुआ और उसमें श्रीमान चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी ने भरपूर समर्थन किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैं यहां देख रहा हूं कि भारत सरकार और तेलंगाना मिलकर के बिजली का काम हो, फर्टिलाइजर का काम हो, रेल का काम हो, पानी का काम हो, एक साथ मिलकर के बढ़ने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। यही रास्ता है जो देश को आगे बढ़ाएगा। और मैं एक बात कहूंगा, चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे जितनी बार मिले हैं हर बार उन्होंने तेलंगाना के विकास की बातें की हैं, हर बार उन्होंने पानी के विषय में इतने इमोशनल होकर के वो बातें करते थे, ऐसा लग रहा था कि पानी जैसे उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मिशन बन गया है। एक बार मेरे पास आए, बोले मोदी जी मैंने मेरी टीम गुजरात भेजी थी और कच्छ में आपने कैसे पानी पहुंचाया है उसका अध्ययन करने के लिए गए थे, और जहां जहां पानी का अच्छा काम हुआ है मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं और मैं पूरे तेलंगाना में पीने के पानी के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाऊंगा और घर घर पानी पहुंचाऊंगा। कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि संसाधनों से योजनाएं सफल होती हैं। ये सही है कि संसाधन तो लगते ही लगते हैं, लेकिन सिर्फ संसाधनों से सफलताएं नहीं मिलती, संकल्प भी होना चाहिए। और जब संकल्प होता है तो जन सामान्य जुड़ जाता है और तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। आज काम का शुभारंभ हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि काम आगे बढ़ेगा। भारत सरकार ने भी एक सपना देखा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हमारे देश के किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है, और इसलिए पूरे देश में पानी पहुंचाना एक बृहद काम। जहां जहां वाटर रिसोर्सेज हैं, जहां जहां कैचमेंट एरिया है,
जहां जहां कमांड एरिया है और सालों से अटकी पड़ी योजनाएं हैं। पिछले दिनों हमने कैबिनेट में इन योजनाओं का निर्णय किया है, जो आने वाले दिनों में देश के किसानों को पानी पहुंचाने की दिशा में एक अहम भूमिका अदा करेगा। भारत का गांव, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, यह हमारी आर्थिक ताकत है। उस ताकत को बल देना, उस पर हम प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, तेलंगाना की धरती से देशवासियों को भी कहना चाहूंगा, जब पानी होता है तो हमें कभी पानी का मूल्य समझ नहीं आता है। बहुत प्यास लगी हो और दूर तक कहीं पानी नजर ना आता हो तो इंसान का हाल क्या होता है, जब पानी नहीं होता है तब पता चलता है। लेकिन जब पानी होता है तब सबसे ज्यादा उदासीनता उसके प्रति होती है, और इसलिए यह हमारा नागरिक धर्म है कि हम पानी को बचाएं। अगर पानी बचेगा तो पानी पहुंचेगा, और अगर पानी पहुंचेगा तो एक नई जिंदगी प्राप्त होती है। और इसलिए वर्षा का एक एक बूंद पानी कैसे बचाया जाए, आप में से किसी को अगर पोरबंदर महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर जाने का सौभाग्य मिला हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी जाने का मौका मिले तो वहां एक बात जरूर देखिए, कहां पर महात्मा गांधी जन्मे थे वहां तो आप नमन करेंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, लेकिन वहां पर आज से 200 साल पहले वर्षा का पानी बचाने के लिए हर घर में क्या व्यवस्था रहती थी, जमीन में पानी का कैसा टैंक रहता था, साल भर पानी खराब ना हो जाए उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी होती थी। 200 साल पुरानी वो व्यवस्था आज भी महात्मा गांधी के जन्म स्थान को देखने जाएंगे तो देखने को मिलती है। 200 साल पहले पानी का संकट नहीं था, उस समय भी हमारा लोग पानी के महत्व को समझते थे, और आज तो पूरी दुनिया पानी के संकट से गुजर रही है, तब हमारा दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसलिए इस योजना के तहत सिर्फ पानी पाने का आनंद नहीं होना चाहिए, पानी को प्रसाद की तरह संभालने का भी दायित्व का भाव बढ़ता चला जाना चाहिए, तब जाकर के लाभ जाना चाहिए तब जाकर के लाभ हो। आज यहां एक बिजली के कारखाने का शिलान्यास हुआ, एक बिजली के कारखाने का लोकार्पण हुआ, जो राज्य कभी से जूझते थे, शॉर्टफॉल था, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार और हमारे पीयूष गोयल जी और उनके मंत्रालय ने 2 साल में ऐसी स्थिति पैदा की है कि जो राज्य बिजली के कमी के कारण परेशान थे, ऐसे राज्यों को भी बिजली सरप्लस स्टेट बना दिया गया है।
अगर इरादा नेक हो, सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का इरादा हो, तो समस्याओं के समाधान भी निकल आते हैं। और अभी पीयूष जी मुझे बता रहे थे कि पहले अगर तेलंगाना को बिजली खरीदनी होती थी तो एक यूनिट का करीब करीब 11-11.5 रुपया लगता था। एक यूनिट का 11-11.5 रुपया। भाइयों बहनों, आज भारत सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, ट्रांसमिशन लाइन में खर्चा किया, सारा संतुलित कारोबार किया, उसका परिणाम यह है कि आज कुछ समय पहले जो बिजली एक यूनिट 11-11.5 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख 1.10 रुपये में मिलती है। राज्य की खजाने के कितना पैसा बचेगा, राज्य के खजाने में पैसा आएगा, वो राज्य के गरीब लोगों की भलाई के लिए कितना काम आएगा, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, बिजली में हम न्यूक्लियर पावर पर बल दे रहे हैं, हाइड्रो पर बल दे रहे हैं, सोलार पर बल दे रहे हैं, क्योंकि पानी, प्रकाश ये जिंदगी की सबसे बड़ी अनिवार्यता होती है और दोनों चीजें परमात्मा से मिलती है। पानी भी परमात्मा की कृपा से आता है और की कृपा से आता है, और इसलिए सोलार एनर्जी पर बल दिया है। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से बात करते बता रहा था कि आपका जो पानी पहुंचाने का प्रयोग है, इसको सोलार एनर्जी के साथ अटैच कीजिए, ताकि पानी पहुंचाने का पूरा प्रयोग बिजली के खर्च से मुक्त हो जाएगा, तो वो इकोनॉमिकली वायबल बनाने में सुविधा होगी। एक जमाना था देश में 1000 मेगावाट से भी कम सोलार एनर्जी थी, 1000 से भी कम। आज 2 साल के भीतर भीतर वो 3000 मेगावाट से भी ज्यादा हो गई है। काम की गति कितनी तेज है, काम का कौन है, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। भाई, आज यहां बहुत वर्षों से जिस रेल लाइन की आप मांग कर रहे थे, आज उस रेल लाइन का शिलान्यास हो रहा है। कितने ही प्रधानमंत्री आके गए, अपने भी आए, बाहर के भी आए, हर बार हर सांसद ने इस रेल लाइन के लिए हर सरकार से मांग की, लेकिन कभी भी दूर दूर तक रेल नजर नहीं आई। आज के युग में विकास के लिए कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिक रूप है, और इसलिए हम पूरे देश में आर्थिक विकास को और रेल कनेक्टिविटी को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पहले तो रेल की स्थिति ऐसी थी कि 4 MP इकट्ठे होकर के जरा आवाज करें तो रेल मंत्री कह रहे थे अच्छा ठीक है, एक डब्बा तुम्हें दे देंगे। 4 MP और मिल जाए तो कह देते थे ठीक है, यहां पर तुमको एक स्टॉपेज दे देंगे।
रेल ऐसे ही चलती थी। हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, जन सामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, रेल का रेशनलाइज करते हुए रेल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज वो उस योजना के तहत रेल का प्रोजेक्ट तेलंगाना की लंबे अरसे की मांग थी, इसको आज हम पूरा कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कोई अगर रुकावट नहीं आई तो समय सीमा में इस रेल प्रोजेक्ट को भी पूरा कर देंगे और यहां के जन सामान्य की आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर देंगे। आज तेलंगाना के इतिहास में पहली बार और सबसे पहला फर्टिलाइजर का कारखाना, उसका शिलान्यास हुआ है। तेलंगाना के पास फर्टिलाइजर का कोई कारखाना नहीं है। किसान को यूरिया चाहिए, किसान को खाद चाहिए। अगर खाद का उत्पादन नहीं होगा तो खाद की बढ़ती हुई मांग है, फर्टिलाइजर की बढ़ती हुई मांग है, उसका हम पूरा नहीं कर सकते। पहले किसानों को खुश करने के लिए फर्टिलाइजर में इतनी सब्सिडी देंगे, ऐसी घोषणाएं होती थी, अखबारों में छप जाती थी, चुनाव निकल जाते थे, राजनेताओं का काम हो जाता था, लेकिन मेरा किसान ही रह जाता था। क्यों? सब्सिडी की घोषणा तो होती थी लेकिन फर्टिलाइजर ही नहीं मिलता तो सब्सिडी कहां मिलेगी, यही कारोबार चल रहा था। भाइयों बहनों, हमने बल दिया है किसान को फर्टिलाइजर पहुंचाना। और किसान काले बाजारी में, ब्लैक मार्केट में फर्टिलाइजर खरीदने के लिए मजबूर होता था, यूरिया खरीदने के लिए मजबूर होता था। कुछ प्रदेशों में तो रात रात से फर्टिलाइजर खरीदने के लिए लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता था। कभी कभी पुलिस लाठी चार्ज करती थी और तब भी फर्टिलाइजर नहीं मिलता था। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की मुझे चिट्ठी पहली जो मिली, वो चिट्ठी क्या मिली कि साहब सीजन है, यूरिया की कमी पड़ रही है, हमारे राज्य को इतना यूरिया दीजिए। करीब करीब सभी राज्य प्रधानमंत्री को यूरिया के लिए चिट्ठी लिखते थे। आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं और मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने सर झुका करके कह सकता हूं कि पिछले एक दो साल से किसी भी मुख्यमंत्री को यूरिया के लिए चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी है। हमारे श्रीमान अनंत कुमार जी के नेतृत्व में फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हम एक नई क्रांति लाए हैं। नीम कोटिंग यूरिया, इसके कारण यूरिया में वो ताकत आई है जो जमीन का लाभ करती है, जमीन का भला करती है। नीम कोटिंग के कारण यूरिया में वो ताकत आई है जिसके कारण यूरिया की जो चोरी होती थी और केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था, सब्सिडी का बिल फटता था किसानों के नाम पर, कुछ लोगों के जेब में सब्सिडी चली जाती थी और फर्टिलाइजर केमिकल वालों के कारखाने में सस्ते दाम पहुंचता था और वो अपना केमिकल बना करके दुनिया में बेचते थे, किसान बेचारा वहीं का वहीं रह जाता था। नीम कोटिंग करने के कारण अब कोई केमिकल फैक्ट्री वाले के लिए एक ग्राम यूरिया भी काम नहीं आ सकता है। भ्रष्टाचार भी गया, चोरी भी गई, सरकारी खजाना लूटा जाता था वो भी बंद हो गया
और किसान को यूरिया आसानी से मिलना शुरू हो गया। आजादी में पहली बार फर्टिलाइजर के दाम एक बोरी पर 200 रुपया 250 रुपया पहली बार संभव हुआ। भाइयों बहनों, अगर समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, किसानों के गांव की भलाई के लिए काम करते हैं, तो किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सकता है? अगर यूरिया को एक केस स्टडी बना करके कोई स्टडी कर ले तो उसको ध्यान में आएगा कि एक अच्छी सरकार होती है। और जैसे अभी चंद्रशेखर राव भारत सरकार की ईमानदारी की भरपूर तारीफ कर रहे थे, वे स्वयं भारत सरकार में रहे हैं, उन्होंने भारत सरकार को निकट से देखा है और वे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, और वो कह रहे हैं कि सालों के बाद दिल्ली में एक ईमानदार सरकार बैठी है, उसका परिणाम भी आता है, उसका परिणाम भी आता है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी कृषि को हमने बहुत ही बदलाव की आवश्यकता है। ये फर्टिलाइजर वगैरह एक रास्ता है, लेकिन हमें हमारी इस धरती माता की तबीयत का भी तो ख्याल करना पड़ेगा। अगर ये धरती माता बीमार रही तो कितने ही नए नए संशोधन होंगे, लेकिन कभी न कभी ये मां हमसे रूठ जाएगी। और किसान के लिए तो धरती मां से बड़ी कोई मां नहीं होती। और इसलिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा इस धरती माता के स्वास्थ्य की चिंता की है। उसकी कमियां हो तो कैसे पूर्ण किया जाए, उसकी शक्ति है तो कैसे उपयोग किया जाए, उस पर बल देने का प्रयास किया है। इन दिनों गाय के नाम पर बड़ी चर्चाएं चल रही है, लेकिन हिमाचल के हमारे गवर्नर साहब हैं, वो स्वयं कृषि में अनेक प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बड़ा अभियान उठाया है हिमाचल में। जो गायें लोगों ने छोड़ दी हैं, ऐसी गायों को वो पकड़ पकड़ करके किसानों को दे रहे हैं, दूध नहीं देने वाली गायें किसानों को दे रहे हैं, और किसानों को कहते हैं कि आप अपनी खेती के साथ गाय को जोड़ दीजिए, गाय का मलमूत्र गाय आपकी खेती में एक नई ताकत देगी। उन्होंने स्वयं ने प्रयोग किए हैं, सफल प्रयोग किए हैं, और इसलिए जो भी गौ भक्ति में विश्वास करते हैं, जो भी गौ सेवा में विश्वास करते हैं, इन सबसे मेरा आग्रह है कि हम गाय को कृषि के साथ जोड़े, एग्रीकल्चर के साथ गाय को जोड़े। गाय कभी भी बोझ नहीं बनेगी, और महात्मा गांधी गाय के लिए एक बढ़िया बात बताते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारी मां हमें बचपन में कुछ समय तक दूध पिलाती है, हमें पालती है, लेकिन गाय मां हमें जीवन भर दूध पिलाती है और हमारा पालन पोषण करती है। गाय मां आगे भी, मृत्यु के बाद भी मनुष्य के काम आती है। जिस प्रकार से पेड़ और पौधे एक वेल्थ है, संपत्ति है, वैसे हमारे कैटल भी वेल्थ है, संपत्ति है।